हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला की एक जगह है जिसका नाम है कोटगढ़। उस जगह की हम आज बात करेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो हिमाचल में बहुत सारी जगह सेब है जिससे लोगों की इनकम सोर्स भी बहुत ही अच्छी है, बट हिमाचल में जो कोटगढ़ जगह है वो एप्पल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट एप्पल ट्री लगाया गया था। बट अब ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन था जिसने वो एप्पल ट्री लगाया था, कि फर्स्ट एप्पल कोटगढ़ में लगा ही तो था बट वो किसने लगाया था। करीब 111 साल पहले 1905 में अमेरिका से एक युवक हिमाचल आए थे जिनका नाम था सैमुअल इवान स्टॉक्स। ये वही थे जिन्होंने कोटगढ़ में फर्स्ट एप्पल ट्री लगाया था। सैमुअल इवान स्टॉक ने शिमला के लोगों को बीमारी और रोजी रोटी से जूझते देखा तो यहीं बसकर उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। वे स्थानीय युवती से शादी कर आर्य समाजी बन गए थे, अपना नाम सत्यानंद स्टॉक रख लिया। इस क्षेत्र में नकदी फसलें नहीं होने से लोग काफी गरीब थे। इसी बीच इस युवक ने साल 1916 में अमेरिका से पौधा लाकर कोटगढ़ की थानादार पंचायत के बारूबाग में सेब का पहला बगीचा तैयार किया। लोगों को सेब उगाकर दिखाया और उन्हें भी प्रेरित किया। 100 साल बाद आज हिमाचल एप्पल स्टेट बन चुका है। यहाँ के बागवान करोड़पति बन चुके हैं। प्रदेश के लाखों परिवार दूसरा काम धंधा छोड़कर सेब बागवानी से मोटी कमाई कर रहे हैं। सत्यानंद स्टॉक ने कोटगढ़ में फर्स्ट एप्पल ट्री लगाया था और आज भी कोटगढ़ सेब के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर माना जाता है। अब हम बात करेंगे कोटगढ़ की। कोटगढ़ जैसा कि वर्तमान में जाना जाता है को कोटगढ़ या गुरुकोट कहा जाता था। यह एक छोटी सी रियासत थी जिसका राजस्व 1815 ईस्वी में लगभग 9000 रुपए प्रति वर्ष तय किया गया था। यह रियासत राणा द्वारा शासित थी और 1803 में गोरखा आक्रमण से पहले तक बुशहर रियासत के अधीन थी। जिस गांव में राणा निवास करते हैं वो कोटखाई कहलाता है। अन्य छोटे राज्यों सहित कोटगढ़ को बारह ठाकुरई के रूप में जाना जाता था। 1828 में इसे ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर दिया गया। 1815 में एग्लो गोरखा युद्ध के बाद इसे शासन करने वाले परिवार को वापस दे दिया गया और ब्रिटिश बलों के संरक्षण में स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 1815 में गोरखा युद्ध के समापन के बाद कोटगढ़ को एक सैन्य स्टेशन बनाया गया था। कैप्टन जेरार्ड की कमान में नुसेरी बटालियन की दो कंपनियों द्वारा अंग्रेजी किले को वहां स्थापित किया गया था। कैप्टन अलेक्जेंडर गिराट को किन्नौर की खोज में अग्रणी माना जाता है और उनका 1817 से 1818 तक यात्रा वृतांत इतिहासकारों के लिए एक महान संसाधन है। कोटखाई के साथ ही कोटगढ़ 1950 तक पंजाब का हिस्सा रहा। इतिहास में जोधपुर या जोधपुर किले का उल्लेख है जो शिलाजान नमक पहाड़ पर स्थित था। कोटगढ़ हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। शिमला से कोटगढ़ पहुंचने के लिए खोजकर्ताओं और आवश्यक यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पड़ाव निम्नलिखित थे। दिन एक, महासू, शिमला से 10 मील की दूरी पर। डे टू, ठेउग, महासू से 11 मील दूर। डे थ्री, मतियाना ठेउग से 11 मील। और डे फोर, नारकंडा मतियाना से 12 मील दूर। डे फाइव, कोटगढ़ नारकंडा से 9 मील दूर। यह जानना दिलचस्प है कि स्थानीय लोग इस दूरी को एक दिन में ही तय कर लेते थे। 1840 में कोटगढ़ में चर्च मिशनरी सोसाइटी स्थापित की गई। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अधिकारी की सिफारिश पर शुरू की गई थी जिनका नाम श्री गोर्टन था। उन्होंने शुरुआत में इस उद्देश्य के लिए 20,000 रुपए का योगदान दिया। डॉक्टर प्रचनो शायद पहले पादरी थे जिन्होंने अन्य जर्मन पादरियों के साथ मिलकर कोटगढ़ और आसपास के पहाड़ी जनजातियों के रूपांतरण के लिए एक मिशन की स्थापना की। डॉक्टर प्रचनो के बाद
पादरी श्री रब सच उनके अधिकारी थे। कोटगढ़ में मिशन स्कूल की स्थापना 1843 में हुई थी। पड़ोसी गांव में लड़कों के लिए 11 स्कूल थे और लड़कियों के लिए 3 स्कूल थे, जिसमें 173 लड़के और 141 लड़कियां थीं, जिसमें बाइबल के बारे में पढ़ाया जाता था।